रुक जाओ अपराधियों, अरे भागो वरना पकड़े जाएंगे। मियां बैग गिरा दो तो हम आसानी से भाग पाएंगे, फेंक दो उसे। वेल डैडी, क्या आप मुझे कुछ पैसे भेज सकते हैं? हाथ बहुत टाइट है। प्लीज थोड़े पैसे भेज दीजिए। डैडी, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी। वो ये क्या है? क्या है ये? ये तो पैसे हैं। मुझे इसे ऑनेस्टली निपटाना होगा। अरे रुक जाओ दोनों, शांत हो जाओ। इस गाय ने सेम मेरे जैसा लिप ग्लॉस खरीदा है। बिल्कुल नहीं, ये मेरे पास बहुत पहले से है। मैं अब तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करने जा रही हूँ, चुप हो जाओ। मिसेज एरियल, मुझे कुछ मिला है। जेसी, मैं बिजी हूँ, मेरे पास दो बंदर हैं, बाद में आओ। लेकिन मेरे पास लाखों डॉलर है, मुझे नहीं पता इसे किसे देना है। सबको पता है तुम्हारे स्टूडेंट डिपार्टमेंट में लाखों डॉलर है। बस हुआ, मेरे बैग में लाखों डॉलर्स है। मिसेज एरियल, मेरी मदद करो। फालतू की बातें करना बंद करो। क्या लाखों डॉलर्स? चले जाओ यहाँ से केसी। क्लास में से शॉप में वापस देके आओ। चुकी हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे पैसे छुपाने होंगे। मैं यहाँ छुपा देती हूँ। बस बस मैं अब शांत हो जाती हूँ और कराटे करती हूँ। शो 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 आ, 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 अरे कैसी, तुम कराटे में बिल्कुल अच्छी नहीं हो। ओह सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम बस परेशान ही तो होती हो। ओ वाह वाह, कितना सॉफ्ट पिलो है। हाँ तुम उसे मत छुओ प्लीज। चलो यार। इवा बस चलो, हमारी क्लास है। ओ आ रही हूँ, बस थोड़ा जूस पीना है। ठीक है। याम याम याम। मैंने किसी का पिलो खराब कर दिया। चलो ठीक है, इन्हें फेंक देती हूँ और नए ले लेती हूँ। तो फिर जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया उन्हें F मिलता है। अब बस भी कीजिए मिसेस एरियल। ये एक प्राइवेट स्कूल है और तुम्हें अपने असाइनमेंट करने होंगे। देरी के लिए माफ करना। अगर तुमने एक बार और देर की तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी। चलो नया टॉपिक शुरू करें। हुर्रे, मैं एक मिलेनियर हूँ, स्कूल की सबसे अमीर लड़की। ये वाओ, ये बहुत सुंदर है, मेरी फेवरेट आइसक्रीम। बटलर जितने पैसे लेना चाहते हो तो ले लो। ये मेरी दोस्त मिलेनियर है, ये वो। नहीं, ये सही नहीं है, ये मेरे पैसे नहीं है, मैं इन्हें खुद कमाऊंगी। शायद इनसे मैं किसी की मदद कर सकती हूँ। तुम फिर से मुझसे टकरा गई। माफ करना। ये क्या है, तुम्हारे पास ये पिलो क्यों है? मैंने तुम्हारा खराब कर दिया और उस पे जूस गिर गया तो। क्या, मेरे पिलो कहाँ है? मैंने उसे फेंक दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या इवा? उसमें $1 million है। मिलियन डॉलर? मुझे स्कूल के पास बहुत सारे पैसे मिल गए और मैंने उन्हें पिलो में छुपा दिया। पैसे पिलो में छुपा दिए? तुम अक्लमंद हो या पागल? मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ, अरे नहीं। भागो।
तुम्हारे मिलियन डॉलर को बचाने। मेरे लिए रुको प्लीज। लग्जरी तकिए कितने आरामदायक। मेरे तकिए, मेरे मिलियन डॉलर। ओए तुम क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम बदबूदार, हमारे तकिए वापस दो, वो हमारे हैं। हाँ ठीक है, हमने उन्हें ढूंढ लिया है और हम उनके साथ वही करेंगे जो हम चाहते हैं। सुनो तुम, मेरी ये दोस्त ना कराटे जानती है। हाँ वो अब दिखाएगी। जल्दी से तक ये सौंप दो। मैं कराटे भी करती थी। निकल जाओ यहाँ से। हम आपको हरा देंगे। केसी उन्हें पकड़ कर रखो, मैं तकिए पकड़ूंगी। केसी भागो। हम आपको हरा देंगे। उफ, सब तुम्हारी वजह से हुआ इवा। बेवकूफ, तुमने ही पीलों में पैसे रखे थे, हैं कि नहीं? वाह केसी, तुम झूठ नहीं बोल रही थी। हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। हाँ इन्हें वापस रख दो, मैं पैसे वापस कर दूंगी। तुम बेवकूफ हो, क्या तुम्हारे पर सारा दिन पैसे की बारिश होती है? नहीं, लेकिन मैं जस्टिस के लिए खड़ी हूँ। मैं सब कुछ वापस करूँगी और थोड़े पैसे गरीबों को दे दूंगी, यही करूँगी मैं। तुम बिल्कुल पागल हो। ये तो बहुत कूल है, सच में मैं भी एक मिलेनियर हूँ। अरे कोई तो मुझे पैसे दे दो। हेलो, मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ, ये पैसे ले लो। सच में मैंने एक हफ्ते से खाना नहीं खाया, थोड़े पैसे मिल जाते तो जाओ जाकर कुछ खा लो। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे पास आईफोन है? हाँ हेलो, हाँ हम लोग आज मिल रहे ना क्लब में, भूलना मत। हाँ तो तुम गरीब नहीं हो, तुम बस एक धोखेबाज हो। रुको, मेरे पैसे वापस करो। ओके, हमें पैसे वापस करने हैं, लेकिन किसके पास? हे गर्लफ्रेंड, गाड़ी में बैठो, चलो। ईवा, तुम्हें गाड़ी कहाँ से मिली? तुमने चुरा ली क्या? मैंने बस थोड़े से उनमें से पैसे खर्चे, थोड़े से गिफ्ट्स लिए हैं सीधा शोरूम से। तुमको किसने परमिशन दी? ये पैसे हमारे नहीं है। पैसे हमारे नहीं, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है, देखो ये कितनी कूल है। इस गाड़ी को अभी के अभी वापस करो और पैसों को पिलो में डालो। चलो ना केसी, देखो ना कितनी कूल है। हाँ बस गाड़ी को शोरूम में वापस करो। सच में तुम्हें कैसे मिल गए पैसे और मुझे नहीं मिले? कौन मुझे खींच रहा है? तुम लोग कौन हो? जाने दो मुझे। कुछ मत बोलो, एकदम चुप और हो गया हमारा काम। जाने दो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यहाँ पर सुनो चुपचाप से। तुम तो डाकू लोग हो। बहुत परेशान करते हो। सीधी बात करते हैं, वो पैसे खो गए हैं और तुम हमारे पुराने पार्टनर हो, तो उसे लाने में तुम हमारी मदद करोगे? मैं ऐसी चीज बिल्कुल नहीं करता, मैं आपको एक क्रिमिनल नहीं हूँ। मैंने तुमसे नहीं पूछा, तुम्हारे स्कूल में ही किसी ने हमारे पैसे चुराए हैं, तुम्हें उसे ढूंढना होगा वरना तुम गुब्बारे की तरह फट जाओगे। अच्छा ठीक है, मैं सब कुछ करूँगा, मैं ढूंढूंगा किसने पैसे लिए। सिर्फ एक दिन है तुम्हारे पास। जिंदगी बहुत हसीन होती है जब आपके दोस्त मिलेनियर हो। हैरी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ मैं आ गया हूँ। क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे कैसे बात करने को कहा था? अरे हाँ याद आया, ओ हमारी महारानी ईवा, जो भी काम हो बोलो मैं कर देगा। यहाँ क्या हो रहा है? ईवा केसी, तुम इतनी चिल्ला क्यों रही हो? कौन है ये?
मैंने बटलर हायर किया है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए भी है, हमने से पैसे दिए हैं। तुम्हें समझ नहीं आता क्या, किसने तुम्हें परमिशन दी पैसों को हाथ लगाने के लिए? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। चल ना केसी, इतना क्या बड़ा इशू है? हाँ, अगर तुम फिर से कुछ ऑर्डर करोगी या खरीदने की कोशिश करोगी तो। हेलो लड़कियों, आपका ऑर्डर आ गया है। वाह, ये मेरा नहीं है, सच में शायद गलती से भेजा किसी और के लिए है। ये सारे टैक्स सामान और गोल्डन टॉयलेट ईवा के हैं, है ना? तुम इधर आओ। देखो ना कितना कूल टॉयलेट है, देखो ना, देखो कितना कूल है। ईवा, अगर तुमने फिर से कुछ ऑर्डर किया तो मैं पैसे को छुपा दूंगी। आखिर पैसे चुराए किसने हैं? और मैं ये ढूंढूंगा कैसे? शायद किटी ने किया होगा। जरा फोटो देख लो। एओ, मैंने अच्छे से पाउट नहीं किया, फिर से करती हूँ। अरे नहीं, उसने नहीं किया होगा। किटी, ये तो पागल बने है। क्या हो गया? देखो नया सामान, नया आईफोन। अरे वाह, मुझे दिखाओ। एक मिनट रखो, किटी ने आखिर आईफोन कौन से लिया? ए, टीना, तुमने कौन से लिया? मुझे अपने आप को समझाने की क्या जरूरत है? टीना प्लीज, मेरे कुछ नए फोटोज लो ना, मुझे नए आईफोन से फोटोज खिंचाने हैं। ठीक है चलो। तो हाँ बिल्कुल, उसी ने पैसा चुराया और उसी से आईफोन भी लिया है। हाँ हेलो, मुझे पता चल गया कि तुम्हारा पैसा कहाँ पर है। चलो शॉपिंग करते हैं। ईवा, मैंने तुमसे कहा था हम वो पैसे खर्च नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए स्टिकर्स। हाँ ठीक है ठीक है, तुम बस एक ब्लाउज ही लेना। हाँ बस वही। ये क्या? ठीक है ठीक है, तुम वो पिंक वाला ब्लाउज ही ले लेना डिस्प्ले का। अच्छा, लेकिन सिर्फ एक ही। हेलो, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? नहीं, वो पिंक वाला ब्लाउज दिखा दीजिए और कुछ नहीं। हाँ ठीक है। रुको रुको, मुझे लगता है कि वो बैग उस ब्लाउज के साथ बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, और नहीं रुको रुको, और वो शूज, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। और हाँ रुको रुको, वो नेकलेस भी अच्छा है, तो वो भी ले आओ। ईवा, हाँ? फिर से? केसी, ये मौका बस एक बार मिलता है, चलो सब ट्राई करते हैं। हाँ, मैं एक नया ब्लाउज, शूज और नेकलेस के बिना नहीं रह सकती हूँ, सच में मैं नहीं रह सकती, मैं सच कह रही हूँ। हाँ, तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। वो आहा, मिलेनियर है कि नहीं? वेल, क्यूट है। आप इसे खरीदोगे? बिल्कुल, मैं पे करूंगी, मेरी दोस्त मिलेनियर है। खैर, चेंज तुम रख लेना, ठीक है? हाँ पता है, शायद हमें सच में कुछ पैसे खर्च करने चाहिए। फाइनली मेरी दोस्त के पास दिमाग तो है। हाँ? नहीं, ये बहुत बुरा हुआ, नया फोन और मेमोरी पहले से ही फुल, ये क्या पागलपन है? हे लड़की, वहीं रुको। बचाओ जैक, उसे जल्दी पकड़ो। हाँ हाँ, राजा ने चोरी। मुझे छोड़ दो, हमें हमारा पैसा वापस दे दो। कौन सा पैसा? वही पैसे जो तुमने हमसे चुराए थे। मैंने कुछ नहीं लिया है, मुझे छोड़ दो। आहा, तो तुम्हारे पास ये आईफोन कहाँ से आया? मेरे पापा ने खरीदा है, वो एक सुपरमार्केट के ओनर है। ओ, तुम्हारे पापा का नाम मिस्टर क्रिस है? अबे तेरी। हाँ, और अब तुम्हारी खैर नहीं, मैं इसकी कंप्लेन करूंगी। अबे साला, ये क्रिस तो सबसे बड़ा डाकू है और उसकी बेटी समझती है कि वो बड़ा बिजनेसमैन है। और उस नेट ने हमें धोखा दिया है, हम उसे देख लेंगे। ओहो, हमारे गार्ड्स कहाँ हैं जो वैसे स्टार्स आए हैं? ईवा, तुम शुरू मत हो जाना।
वाह, यहाँ तो पहले से ही खाना बना हुआ है। वाह, तुम क्यों खड़ी हो? यहाँ का खाना महंगा है, चलो। मैं रेस्ट रूम जाती हूँ। नेटम, सॉरी मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे तुम काफी खूबसूरत हो। थैंक्स। बचाओ, मुझे सफोकेशन हो रही है। अब आकर ये कौन सी बोला है? ये ईवा है। केसी, हमें कहीं और जाना चाहिए। हाँ चलो, सिर्फ इस बेवकूफ को बचाना है। सब लोग कहाँ हैं? कितनी शर्मनाक हरकत है, हमें लेसन लेना है। हम कैसे जाएंगे? यहाँ पर सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स तो हैं। वेरी फनी। सब खड़े हो जाओ। अच्छा नहीं, सब बैठ जाओ, मैं लेसन कैंसिल कर रही हूँ। तुम यहाँ पर ऑर्डर देने वाली होती कौन हो? मैंने ये स्कूल खरीद लिया है, समझे? तुमने हमारा स्कूल खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लिए? हाँ, मैं एक मिलेनियर हूँ। नामुमकिन। मैंने कहा था ना ये स्कूल अब मेरा है। मैंने कहा था ना मेरे स्कूल से बाहर निकलो, ये मेरा है, अब मैं इसकी प्रिंसिपल हूँ। हे, क्या कर रहे हो तुम ये? निकलो यहाँ से। तुम सब डरपोक हो, निकलो। शांत हो जाओ पागल कहीं की। और अब तुम, मैं सबसे ज्यादा बुरे ग्रेड्स का बदला लूंगी। छोड़ दो मुझे, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे जाने दो। तुमने हमसे झूठ बोला? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। सच सच बताओ हमें, क्या टीना ने पैसे चुराए थे? ये मेरी गलती नहीं है। तो फिर जरा इसे देखो एक बार। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता है। ईवा ने नई कार खरीदी किसके पैसे से? मुझे नहीं पता, शायद उसी ने ही पैसे चुराए होंगे। मुझे बस इतना जानना है कि उसने हमारे पैसे चुराए हैं या नहीं। मैं पता लगा लूंगा। और अगर नहीं लगाया तो हम तेरी माँ के पास जाएंगे और सब कुछ छीन लेंगे। मेरी माँ नहीं प्लीज, वो काफी ज्यादा बीमार है। मैं पैसे ढूंढ के लाऊंगा और दूंगा तुम्हें। तुम्हारे पास अब बस कुछ ही घंटे बचे। इवन स्कूल खरीदा कैसे? कैसे? क्या पता, अब हो सकता है सिर्फ मजाक हो। मुझे नहीं पता। रुक जाओ। हा? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे दोस्त को इतने पैसे कहाँ से मिले हैं? मुझे नहीं पता। सवाल का जवाब दो बेवकूफ। मुझे जाने दो। अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। सुनो, शायद उसे सच में नहीं पता है। ईवा तो कूल हो गई, ये अब भी बेकार है। बिल्कुल बेकार। तुम्हें पता है क्या, ईवा और मैं मिलीनियर बन गए हैं। क्या, कैसे प्रूफ करोगी? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। दिलचस्प। हेलो ईवा, एक गोल्डन एयरप्लेन ऑर्डर करो। क्या? इन बेवकूफों को दिखाना है कि हम कौन हैं। मैंने उन्हें बताया हम मिलेनियर हैं। समझ गई। वो कहाँ जा रहे हैं शो ऑफ करने के लिए? तो तुम क्या दिखाओगी? तुम क्या कर रही हो? रुको। तुम्हारे लिए ये एक मिलीनियर की तरफ से गिफ्ट है। तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? इतना काफी नहीं है। सरप्राइज। एक गोल्डन एयरप्लेन, एक गोल्डन एयरप्लेन। ये तो इम्पॉसिबल है। तो कैसा लगा लग्जरी लाइफ, देखी है कभी? तो ये सब सच है। हाँ हाँ, मैंने स्कूल खरीदा है और केसी ने ये एरोप्लेन। ये हमने दिखा दिया। रुको, झूमना बंद करो। हम पैसे पिलो में वापस रखते हैं और एयरप्लेन वापस करना है। ठीक है, लेकिन एक बार पहले उड़ तो ले। ठीक है, वापस कर देंगे।
पर पहले मुझे चाहिए पार्टी। चलो पार्टी करते हैं गाइस। ये सब मेरी तरफ से, ये सब ट्रीट है। तुम भागते क्यों नहीं? मैंने इसके पैसे दिए हैं। ये कितना बकवास है, हमने इसको मना क्यों किया? अरे हमें इवा ने $10,000 देने का वादा किया है। ठीक है। आओ, आओ, आओ। वाओ। सबके लिए कॉकटेल मेरी तरफ से, ये। चलो इवा के नाम पर पिए, हमारी अमीर दोस्त के लिए। यहाँ क्या हो रहा है? क्लास में पार्टी हो रही है, जरा वो तो देखो। आओ। आओ। बस करो, लाइट ऑन करो। मैं समझी नहीं, किसने मेरी पार्टी खराब की? इवा, मैं इससे प्यार करती हूँ, ये कुत्ते की तरह क्यों पड़ा है? उनको मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं। बिल्कुल घटिया, तुमने हमारे स्कूल को क्लब बना दिया है। ये अब मेरा स्कूल है। शायद तुम भी मिलेनियर्स की पार्टी में शामिल होना चाहती हो, हमारे साथ आओ। सच में कर सकते हैं, चलो करते हैं। हे टीना, तुम पागल हो गई हो क्या? चलो सब नाचो। ये हाँ मॉम, सब कुछ ठीक है। मैं रो नहीं रहा हूँ मॉम, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। नेट, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, तुम्हें बस ऐसा लग रहा है। क्या हम वॉक पर चले? मुझे नहीं पता, शायद। क्या तुम मुझे इवा के बारे में बता सकती हो? इवा, तुम क्या जानना चाहते हो? वैसे मैं इतना तो जानता हूँ कि उसने अभी कार खरीदी है। क्या वो अमीर है या उसके माँ बाप मिलेनियर हैं? पैसा कहाँ से आता है? हे, तुम्हें क्या हो गया है? क्योंकि मैं एक जासूस हूँ। तो तुम्हें इवा पसंद है, सब क्लियर हो गया। रुको तो, मैं तो मजाक कर रहा था यार। बात ऐसी है कि मेरी माँ बीमार है, मुझे लगा कि वो मुझे थोड़े पैसे दे सकती है। तुम्हारी माँ बीमार है, कितनी बुरी बात है। शायद मैं मदद कर सकती हूँ। नहीं, लगता है मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। नेट, मैं मदद करूँगी, वादा करती हूँ। ये बताओ $1,000,000 कहाँ पर है? इवा के पास है क्या? अब क्या हुआ, पैसे मिल गए? या शायद मैं तुम्हारी लाइफ को थोड़ा थोड़ा बर्बाद कर दूं? मुझे बस एक घंटा दे दो। तुम्हें क्या लगता है पैसे मिल जाएंगे? उसके पास और कोई चॉइस नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। इवा, उठो। सब बात ठीक करते हैं। उठो जल्दी जल्दी उठो। अच्छा, तुरंत। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? हमारे रूम में। मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? मैं तो अपनी पार्टी में थी ना। तुमने इतना नाच लिया होगा कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं होगा। उठो, मुझे पैसे लेने हैं। किसके लिए? बाद में समझाऊंगी, अभी $9,00,000 बचे होने चाहिए। वैसे वहाँ बस 5,00,000 ही बचे हैं। क्या? हाँ, मैं तुम्हें कैसे बताती। इवा, तुम्हें किसने परमिशन दी है मेरे पैसों को हाथ लगाने की? भूल गई हो क्या कि मैं कॉर्डिन हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, तुम्हें हरा सकती हूँ। ये तुम्हारे नहीं है। ये बात को बुरा बना रहा है। तुम मुझे परेशान कर रही हो, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी और मैं सारे पैसे ले रही हूँ। केसी, पर ये तो सही नहीं है। मैं इनसे उनकी मदद करूँगी जिनको इसकी नीड है। क्या मैं कार रख सकती हूँ? बस कार की बात है। नहीं, भूल जाओ। मैं भी तो मिलेनियर होना चाहती थी। हमें सारे रूम में चेक करना पड़ेगा, कहीं तो वो पैसे होंगे ही। नेट,
तुम्हें मिल गया। कैसे? रोप के साथ क्या हुआ, कहीं चढ़ने जा रहे हो? वो तो मैं यहाँ से जा रहा था, तभी मुझे यहाँ पर एक रस्सी दिखी, लेकिन ये रस्सी मेरी नहीं है। नेट जरा बैठो, तो मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अब तुम मुझे डरा रही हो। नेट, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। और वो क्या बात है? तो मुझे $1 मिलियन मिले थे, मुझे पता है किसी फेरी टेल की तरह लगता है लेकिन ये सच है। और ये $1 मिलियन कहाँ पर है? मेरे रूम में पिलो के अंदर, और मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। अरे वाह। और यहाँ है कीज, ये कार अब तुम्हारी है, तुम जाकर अपनी फैमिली की मदद करो। केसी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सच में बहुत अच्छी हो, मैं इसका उधार तुम्हें कैसे चुकाऊंगा? वेल, हम डेट पर जा सकते हैं, एक असली डेट पर, मुझे तुम पसंद हो, तुम क्या कहते हो? केसी मेरी बात सुनो, गिफ्ट के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे मना करना पड़ेगा। रुको नेट, तुम कहाँ जा रहे हो? हमारे पैसे केसी के रूम में है। अच्छी बात है, मुझे तो लगा नेट को हमें ढूंढना पड़ेगा। चलकर रूम की तलाशी लेते हैं और अपने पैसे निकाल लेते हैं। लगता नहीं यहाँ कोई है, चलो। मिया जल्दी उसका पिलो चेक करो, उसी में पैसे छुपा कर रखे होंगे उसने। अरे नहीं, कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? केसी ने खुद कहा था पैसे उसी के रूम में, हमने खुद सुना था ये। शायद वो पैसे लेके भाग गई हो। शेट यार, इसमें भी कुछ नहीं है। क्यों? उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? चलो हमें देखने से पहले यहाँ से निकल जाए। अब मैं अपनी फीलिंग्स किसको बताऊंगी, बहुत हो गया। केसी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे प्यार पर विश्वास नहीं है। ओके 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 केसी। बस हम पैसे लेते और ओशन के किनारे चलते हैं। ओ, मुझे तुम्हारा ये मौका पसंद है दोस्त। पैसे कहाँ है? यहाँ थे। ईवा, यह नहीं है। ये नहीं हो सकता है। क्या तुमने ले लिए? एक्सेप्ट करो। नहीं नहीं, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। तो कहाँ गए? एक्सेप्ट करो जल्दी, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। सॉरी कैसे, लेकिन मुझे तुमसे कहीं ज्यादा इन पैसों से प्यार है। अच्छा हुआ कि तुमने बता दिया कि पैसे कहाँ पर हैं, वैसे तुम उस कहानी में फंस गई। चाहे जो भी हो, पैसे तो मेरे हैं। नेट, हमारे पैसे वापस कर। मिया पकड़ो उस साले को। अरे नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। उसे छोड़ो। तो दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और एक कमेंट है उसमें से, मुझे ये शो बहुत पसंद है क्योंकि इसके लोग बहुत प्यारे हैं, जैसे कि टीना, ईवा, जैक, क्रिस। आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे लोग सिर्फ प्यारे ही नहीं, कमाल के हैं। मेरा नाम है मरवावा, हेलो, और मैं मोरक्को से हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। I love you, Zach, और बाकी सभी टीम टीम में मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। और मैं विसैम हूँ। हेलो विसैम, कैसे हो भाई? बहुत शुक्रिया विसैम। तो अगला कमेंट है, ईवा, एरियल, टीना, अनीता, कैसी, मिया, मेलेनी, सिंडी, तुम सब बेस्ट हो। देखो यार, ये बात बिल्कुल सही है, हमारी लड़कियाँ बेस्ट हैं। एडम, जैक, क्रिस, नेट, तुम सब भी बेस्ट हो। यार एक बात बताओ, मेरा नाम कहाँ है इसमें? मैं भी तो हूँ यार। खैर, कमेंट करने वाले का नाम तो पढ़ लूँ। ऐसिया, शायद, तुम भी बेस्ट हो।
शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइबर्स। जब भी आप लिखते हो आपको हमसे प्यार है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमें भी आपसे बहुत प्यार है। हम भी बहुत खुश होते हैं जब आप हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, ठीक है? हमें ऐसे ही प्यार बरसाते रहो दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है बहुत। और अगर तुम हमें नहीं लिखते हो तब भी हम वैसे, गाइस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे बारे में भी लिखा करो थोड़ा बहुत, क्योंकि कमेंट्स देखता हूँ तो मेरे बारे में कुछ नहीं होता, मेरे लिए भी कमेंट कीजिए। आई लव यू। बिल्कुल, हैरी हमारे लिए बेस्ट है, हैरी बेस्ट है। तो क्या तुम कर सकते हो एक गुड और बैड स्कूल गर्ल थीम? हम इसके बारे में सोचेंगे, शायद हम इसे शूट करें। मुझे लगता है एरियल को नेट पसंद है, तो मुझे लगता है यहाँ कुछ भी हो सकता है नेट, पूरा लाल और वो इसके बारे में कमेंट कर सकता है। कि हमें एरियल से पूछना चाहिए, लेकिन वो हमारे अभी इस व्लॉग में नहीं है, तो वो अगले व्लॉग में शायद जवाब दे सके। अगर आप चाहते हैं तो हम पूछ लेंगे उससे, तुम्हें क्या लगता है? जवाब देना ही पड़ेगा। ईवा और क्रिस एक कमाल की जोड़ी है। वो क्या कर रहे होंगे अभी, और कौन सा कॉमेंट? एरियल, ईवा, एलिस, मिया, सिंडी और अनीता खूबसूरत हैं। व्लॉग का इंतजार है। लव यू। और वैसे कमेंट मिला हुआ है। हेलो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और ये शो मुझे बहुत पसंद है। मेरा नाम सोफिया लोपेज है और आज मेरा बर्थडे है, जो कि मेरा सबसे फेवरेट दिन है। सोफिया लोपेज, हमेशा खुश रहो सोफिया लोपेज। छोड़ो, क्या हो गया, चलेगा। वैसे भी तुम हमारी फैन और हम लोग तुम्हारे फैन। हैप्पी बर्थडे और वी ऑल लव यू। जब मैं इस वीडियो को देखती हूँ तो रो देती हूँ। नहीं, वैसे तो रोना बुरा है, पर हमें तुम्हारे दिल को गहरा छूना था ताकि तुम्हें पसंद आए कि कैसे हमने खेला, ऐसी ही चीजें। वैसे हम तुम्हें खुशी देना ज्यादा पसंद करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वो खुशी क्या खुशी। मेरे साथ डेट पर गई थी तब थोड़ा सा। वैसे मुझे ना एरियल बहुत ही कमाल की लगती है। मैं तो तो ये सब्सक्राइबर के शब्द हैं कि मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, पूरे क्रेजी घर में सबसे ज्यादा। तो ये चैलेंज नेट के लिए है, नेट हो सकता है। मैं ईवा से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा। मन करता है कि मैं उसे अकेले में ले जाकर कहीं पर होश लूं। और इतना नहीं, क्रेजी घर की सारी लड़कियाँ मिल जाए मुझे, वो भी कम पड़ेंगे। अच्छा तो सब्सक्राइबर तुम काफी आरामी हो, लेकिन अच्छा तो दोस्तों मैं तुम सभी को इनवाइट करना चाहता हूँ कि ये क्रेजी घर हमारा चैनल आप सभी का काफी आभारी है कि हम सब के तुम जैसे बहुत ही बढ़िया वाले फैन हैं। हम सब आपसे प्यार करते हैं दोस्तों, और मैं तो सिर्फ खुश नहीं हूँ बल्कि बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस चीज को। और अब हम अगले व्लॉग पर आगे बढ़ रहे हैं। चलो, मैं आखिरी हूँ दोस्तों। तो ये रहा व्लॉग का दूसरा हिस्सा। यहाँ पर हमें कुछ मिला है ग्लास में, तो हमें नहीं पता ये क्या है और हमें इसे पीना है और गेस करना है। पांच कप्स हैं और चार लोग हैं, तो बहुत नाइंसाफी है। तो फिर इसे पीकर हमें गेस करना है अंदर क्या है, और जो भी गेस कर लेगा उसे पैसे मिलेंगे इतने। तो फिर चलो गाइस शुरू करते हैं। आ जाओ, इसे यहाँ रखते हैं, चलो शुरू करते हैं। आओ जल्दी पी लो तुम। चलो शायद मुझे तो शुरू करता हूँ। सब वाला पिएगा ये। क्या है इसमें? तुम ऐसे क्यों? कुछ तो ब्राउन है। क्या है? जरा फिर एक बार बोलो क्या है। हाँ, शायद मैं समझ गया, ये असल में कोको कोला है। क्या इसने सही कहा? वो जीत गए भाई, तुम जीत गए। जाओ टाइलर, तुम्हारी बारी पता लगा। अच्छा हां, चल बे साइंटिस्ट अब तेरी बारी। चल शुरू कर, जल्दी करो, नाक पकड़ लूंगा इससे। शुरू करते हैं यहां से। हम ये जो पीना है पी लो भाई, ठीक से चूसियो। फिर से कोला नहीं, ये वनीला है। वनीला कोक? वो कुछ ऐसा ही है। एक बार और पियो। वनीला, अभी वनीला शायद कुछ है पर मुझे नहीं पता। वो वाला ट्राई करना, मेरा वाला चूस। हाँ मुझे पता है, मैं समझ गया ये क्या है।
मुझे पता है वैसे तुम कौन है हॉस्पिटल में। अरे हाँ, समझ गया समझ गया, अब मेरी बारी है। अरे क्या रे डॉक्टर, बीमार जानते हैं सारे, वो तो चेहरी है समझ गया तुम्हें। चल भी मुझे तो लग गया पता, आपको भी ना। तो फिर चलो सबको स्प्रेड किया जाए, हम पीछे घूम जाते हैं, लोग स्प्रेड कर देंगे ड्रिंक्स को। ठीक है चलो, ठीक है। तो फिर मैं ड्राइंग वाला मैं ही पीता हूँ, सबसे पहला पीऊंगा मैं। तो फिर ये यहाँ पर 1 2 3 चलो आगे बढ़ो। बहुत जोर से चूसा तूने, बहुत अजीब सा है यार ये टेस्ट, इसका पता नहीं क्या है, बहुत अजीब सा ऐसा ही लगता है। वैसे रंग से तो धोखा है, पता नहीं ये बहुत बुरा आर्टिफिशियल भाई साहब का ही तो है, बहुत अजीब सा है ये, पता नहीं क्या है, गंदा सा है। चलो देखते हैं, मुझे सोचने दो। ये कुछ ऐसा तो कमी नहीं है, नहीं वैसे तो ये नॉर्मल है, लेकिन ये एक थोड़ा सा कि वो टॉयलेट क्लीनर की तरह वैसे ही कुछ लग रहा है, अजीब सा है। चलो अब तुम बताना क्या है ये, बताओ तो मैं भी, भाई महसूस हो रहा है दूध या लस्सी या कुछ है, बहुत अजीब सी चीज है यार कुछ तो, ये पता नहीं, तुम ट्राई करो थोड़ा। ये कुछ खट्टा नींबू पानी जैसा है, नींबू वाला है, एयर फ्रेशनर है क्या? ये मिरिंडा है, ये मिरिंडा है क्या? मिरिंदा नहीं, ये तो क्या है? मैंने बोला ना मिरिंडा ही है। श्वेप्स, श्वेप्स क्या होता है? श्वेप्स, अच्छा पता नहीं, मैंने कभी पिया नहीं, मुझे पता नहीं है क्या, आप बता रहे हो तब पता लगा। ठीक है चलो स्प्लिट करते हैं। हाँ चलो आ जाओ बाबा जी, घंटोली। ठीक है अब मेरी बारी, अभी तो मेरी जान टीना भी बची है, ट्राई करो तुम भी, देखो क्या है। जिनसे तुम मिलने नहीं गई थी, समझ गई, जिनके कमेंट तुमने पढ़े ही नहीं। चलो आगे बढ़ो, सच में नमकीन है, ट्राई करो। ओ मैं भी ट्राई करता हूँ जरा, मुझे फिर को तो देख लूंगा बाद में। मुझे नहीं पता, शायद पानी है सोडे के साथ। ओह शिट यार, लड़की को ऐसी खराब चीज क्यों दे रहे, पागल हो गया? नमक के साथ? हाँ अरे वाह, अच्छा सॉल्ट वाटर, सही है तुमने, बढ़िया। मुझे लगता है कि जिसने कम चूसा और ज्यादा समय लिया है उसके, हमें उसी से उसको जज करना चाहिए। ये वाला पीऊं, ये वाला, ये फिर ये, चलो ये इसे इसे देखता हूँ, चलो ठीक। अरे कौन सा वाला चूसा तू ना, कुछ छोड़ा भी उसमें? चल बता। केचप, केचप जैसा कुछ, टमाटर का ये और कुछ नहीं है, केचप सा लग रहा है, ये टमाटर का जूस हो सकता है और कुछ नहीं। तो टमाटर सॉस डाला है और क्या? हाँ, तो ये जो विनर है और जिसे पैसे मिलेंगे, मैं जीत गई क्योंकि सबसे बकवास चीज टीना की निकली और उसने एक ही बार में गेस कर लिया और सबसे वाहिया ड्रिंक इन सब में से कौन सा था गंदा। अच्छा तो अब व्लॉग खत्म होता है। अच्छा तो खत्म हो गया, आएंगे हमारे क्या? और आप देखिए ब्लूपर्स, चलो ऐसे करते हैं 1 2 3 ब्लूपर्स। इसको ऐसे नहीं लगेगा, नहीं कि तुम लोग लड़ रहे हो तो जरा सा सीरियस हो गए तो। मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को फोन करूंगी, समझे? हमेशा ऐसा ही करती है। ये सारे टैक्स सामान और गोल्डन टॉयलेट ईवा के हैं, है ना? ओ ना, ये बहुत अच्छा है। अब आएगा ना मजा।